गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज हम कहाँ जाने वाले। तो आज ट्रैक्टर की राइड करेंगे तो हम दिखाएंगे अपना ट्रैक्टर भी। तो मिलते हैं आपको, अभी जा रहा हूँ मैं जहाँ भी ट्रैक्टर गया है, अभी वहां से लेके आना घर की, और तो मैं दिखाऊंगा रास्ते में आपको, तो बने रहिए मेरे व्लॉग। तो गाइज मैं चल दिया जस्ट अपने उसके लिए, अभी मैं जा रहा हूँ बस, अभी ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ। तो मैं आपको आज ट्रैक्टर की राइड दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरी ब्लॉग में, देखिए मेरी हार्ले। ये अभी मैं बस जस्ट ड्राइव कर से अभी मैं वीडियो और जा रहा हूँ, तो आज मैं अपने गिम्बल से शूट कर रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी, तो देखते रहिए। तो मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, आगे जा रहा है मेरा ट्रैक्टर, तो मैं दिखाता हूँ ट्रैक्टर को अभी, तो गैराज से मैं ट्रैक्टर में लेके आऊंगा, तो मैं ट्रैक्टर की राइड दिखाऊंगा आपको, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो गाइज ये जा रहा है ट्रैक्टर, देखते रहिए मेरे ट्रैक्टर को। तो अभी हम जा रहे हैं ड्यूरी, वो पटिया जाना है, थोड़ा मील में काम है वहां पर, तो उसके बाद मिलते हैं हम आपको आगे। बने रहिए, हम जा रहे हैं अभी आगे, हम ट्रैक्टर से आगे निकल गए हैं थोड़ा, तो अब हम आपको थोड़ा आगे मिलते हैं मील के पास। फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं यहां पर मिल पे, तो अभी पीछे से ट्रैक्टर आ रहा होगा, तो दिखाते हैं आपको जब ट्रैक्टर आता है। बस पापा आ गए ट्रैक्टर चला के, यहां मिल में ले जाने वाले हैं। ये है मिल, मैं ट्रैक्टर लेके जाऊंगा घर की ओर, देखते हैं वेट कैसे टूटता है। पहले टोटल वेट तोलेंगे, फिर ट्रॉली खाली करके नॉर्मल वेट तोलेंगे, या अपनी हार्ले। ऐसा है, ये अभी फाइनली वेट के साथ ट्रॉली का वेट बढ़ा रहे हैं। ये कुआखेड़ा की मील है, और ये भैया वहाँ के ओनर। तो अभी देखते हैं, खाली करते हैं ट्रॉली, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड देखिए स्टॉक पड़ा है बहुत गेहूं का, ये ट्रॉली लग रही है खाली होने के लिए, अभी प्रेशर लगा के अभी खड़ी करी जाएगी ट्रॉली को। तो अब जब प्रेशर लगाएगा तो दिखाते हैं आपको। प्रेशर लगाते हैं उसके बाद मिलते हैं, अभी प्रेशर कर दिया फिट, अभी ट्रॉली उठाएंगे तो दिखाएंगे भाई। ये गेहूँ बने रही हमारे ब्लॉक पे, देखते रहिए क्या होता है। अरे नीले में लकड़ियाँ भी है यार, सही है सही है। देखिए खोलते गेट डाला,
पे आराम से गिरेगा ये सामान जितना ये हो ना सर 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 करके आने वाले टाइम तो बस गिरना शुरू हो गया। देखो लग रहा रेत गिर रही है, रेत क्या पता चला ये तो सोना है, सोना खरा सोना है। धूल बहुत आ रही है, धूल है बाकी तो ये पूरा साफ है। तो मिलते हैं आपको जब घर की ओर जाएंगे ट्रैक्टर की सवारी पे। ट्रैक्टर को कर दिया खड़ा दोबारा वेट के लिए, तो चेक करते हैं वेट कितना आ रहा है। तो मिलते हैं आपको घर जाते समय। आप चलाएंगे हम ट्रैक्टर में जाएंगे घर, तो रास्ते भर करेंगे मजे ट्रैक्टर की सवारी पे। तो फ्रेंड्स मैं चल दिया अपने ट्रैक्टर लेके, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे देखने के लिए क्या क्या होता है। तो अभी हम ट्रैक्टर में बस जा रहे घर की ओर। तो आज का मौसम भी बहुत सही हुआ, बादल लग रखे हैं बहुत, और क्या कहते हैं यहाँ ये लोगों को वॉक के लाए जो हम चल रहे हैं अभी। देख रहिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दे ट्रैक्टर की, बहुत धीरे चलना ऐसा लग रहा है मुझे। लगभग मतलब हेली ड्राइवर हूँ मैं लगभग, और बीजी है भाई मैं, तो मैं गाड़ी तो मैं चलाता हूँ, मेरी स्पॉट वालों को पता ही होगा कितनी खतरा गाड़ी चलाता हूँ मैं। बीजी है भाई मैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर, तो देखते रहिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, जो देखिए आज का मौसम भी कैसा है, मस्त हुआ मौसम घूमने लायक। तो ये बनाया जा रहा है ब्लॉग अपने ट्रैक्टर में। तो मैं आज पहली बार गिम्बल से शूट कर रहा हूँ, मैं वैसे भी इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाल रहा है, तो मुझे रिटर्न करना है गिम्बल। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। और ये तो आपको पता ही होगा लेंटर डालने वाली मशीन है, ये घर हर भी यहाँ बन रहे हैं बुलेट। तो अभी हम बस जा ही रहे घर की ओर, तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, एंजॉय करिए मेरा ब्लॉग। देखिए आगे गड्ढे गड्ढे रोड में इतने हो गए, पता नहीं कब बनेगी आपकी रोड, गड्ढे गड्ढे हो रखे गाइस। आगे रोडों में गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, पता नहीं कब बनता है बनते ही आगे रोड। अब उसके दिन ना भी हमारे सीएम है, फिर भी देखो इधर के सीएम है, तो आगे रोड और तो बना ही सकते हैं। टेंडर पास करवाओ, बोलो रोड बनाओ आगे, इससे लोगों का भला होगा, लोगों को जाने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत गड्ढे मड्ढे हैं आगे रोडों में। तो अभी हम बस जा रहे चलते हैं, हम देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुंच चुका हूँ पिपलिया, बस जा रहा हूँ मैं अभी घर की ओर, तो बस देखते रहिए। वैसे कुछ है नहीं यहाँ दिखाने के लिए, बस मौसम ही अच्छा हुआ है और ये हरियाली बहुत है इधर, ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है मस्त। इस साइड का एरिया बहुत ही शांत है हमारे साइड का, मतलब खाटी मतलब थोड़े अंदर साइड का पॉल्यूशन बहुत कम है। जो गटीवा मार्केट साइड में रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ कितनी पॉल्यूशन है, गाड़ियों के हॉर्न, यहाँ थोड़ा इलाका शांत है, तो यहाँ लोग रहते हैं बढ़िया से, ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है लोगों को, सब चीज़ की फैसिलिटी है। बस एक रोड ही रोड है, रोड ही खराब है, बस वो बन जाए तो लगभग सब चीज़ सही है, यहाँ फैसिलिटी भी लगभग सब चीज़ यही धीरे धीरे हो जाएगा। तो अभी तो हम जा रहे हैं घर की ओर, तो जहाँ जहाँ पहुँचते रहेंगे वहाँ हम आपको बताते रहेंगे, जहाँ जहाँ कुछ स्पेशल होता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए गाइस वेल्डिंग की दुकान है, मैं जा रहा हूँ बस, अभी तो मैं रास्ते से जा रहा हूँ दूरी वाले से, तो मिलते आपको थोड़ी देर बाद आगे। तो बस मैं पहुँच गया हूँ थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर से आने आ रही कार, अपने ट्रैक्टर को स्लो कर लेते हैं थोड़ा, तो बने रहिए थोड़ा सा किनारे ले लेते हैं, कार को जगह देते हैं हम जाने के लिए। तो
कार वाले तो चल दिए, दादा की कार थी, मंगूला की कार थी, तो हम मार लेते हैं। यहाँ का इलाका आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, मैं पिछले रास्ते की बार भी इसी रास्ते से गया था। इस मतलब यहाँ रास्ते में मोड़ बहुत है, बेंट बहुत है, कोई बात नहीं। बट कुछ ऐसा है कि बैलगाड़ी बीच रोड पे पहुंच गई थी, एक भैया ने अभी साइड कर रखी है इनकी गाड़ी वाली, तो ये तो चल दिए चलते। ट्रैफिक लग गया था यहाँ पर, बस हम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं दोबारे अपने रास्ते को। हम रास्ते में बने रहते हैं, चलते रहते हैं, सतर्क रहते हैं, कहीं फैक्ट्री इधर उधर चले ना जाए, कहीं कोई ठुक ना जाए। बड़ी चीज चलाते तो हल्का फुल्का डर रहता है, कोई ठुक ठाक गया तो क्या होगा। गलती छोटे वाली गाड़ी की भी होगी तो गलती बड़े वाली गाड़ी की ही मानते हैं, क्योंकि भी दूर है, तो इसलिए हम अपना कैमरा ऑन रखते हैं। अगर कोई बाई चांस ऐसा कभी हो जाता है तो एक प्रूफ तो रहेगा, हाँ कि ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था। तो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में दरियानाथ मंदिर पे, तो आज हम आपको और दरियानाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे, तो अच्छी बात है, रोज रोज करना चाहिए। रोज रोज हमारी वीडियो में आना, तो दरियानाथ मंदिर के दर्शन कराते रहेंगे हम आपको, दिखता रहेगा मंदिर, क्योंकि हमारा रास्ता ही है ये जाने के लिए, तो हम से मंदिर दिखाते रहते हैं। तो आपको मिलते हैं सीधे दरियानाथ मंदिर पे। तो गाइस बस मैं पहुंच गया दरियानाथ मंदिर, ये दरियानाथ मंदिर का साइड व्यू है, तो हम आपको फ्रंट से भी दिखाते हैं, तो बने इसलिए देखते रहिए आप। बस इसको छोड़ा हम कर लेते ना, मूड है इसलिए वाले होते हैं। बताइए आपको लड़का गाड़ी कैसे चला दिया, लेफ्ट इंडिकेटर देखकर राइट मोड़ दिया, राइट इंडिकेटर देख लिया, पिछले बच के रहना पड़ता है। ये दरियानाथ मंदिर और यहाँ पर एक बगिया है, जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही होगी, यहाँ बगिया है, यहाँ लोग कबड्डी वड्डी भी खेलते हैं, तो सब बंद हो गया है। ऐसे हम पहाड़ देख ही पा रहे हैं कि थोड़ा पूरा टाइप का लगा है, हल्के हल्के दिख रहे होंगे आपको, देखते रहिए। तो ठीक है 50 स्पीड में दिख रखिए हमारे दुखी वाले भैया, स्माइल मार रहे बढ़िया से, अगर सिंबल पकड़ो ना तो, अगर ट्राई पॉइंट पकड़ोगे तो बस लगता है कि हाँ वीडियो बना रहा है बंदा। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, तो अभी बस ब्रेकर आने वाले हैं। ब्रेकर में स्पीड की स्पीड कम नहीं करनी पड़ती है, इन ब्रेकर इतने कम हो गए ना, ये दिखते नहीं अब। अरे महिंद्रा आपको शायद पता नहीं, बच्चे आते हैं नहीं आते इधर, वो घर बनाएंगे बढ़िया लगेगा। तो और ये भाई रोजाना का घर बन रहा है भाई, यार यार भाई वीडियो में कमेंट करना आपका घर बहुत तेजी से बन रहा, बढ़िया लग रहा है। ये है पूरा अमर जी, तो यहाँ से घर का ज्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, तो आपको मिलते सीधे थोड़े आगे मिलते हैं पहुंचने वाले होंगे। तो फ्रेंड ट्रैक्टर चल रहा है तीसरे गियर में, तो अभी बस जा रहे हैं, बने रहिए हमारे देखते रहिए, कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, ब्लॉग पे कॉमेडी ना हो तो देखने का मजा भी नहीं आता। तो दुकान पल्ली अल्ली घर बनता है, तो यहाँ से पल्ली रेंट पे जाती है हड्डी हड्डी, और ये जेके सुपर सीमेंट सही है इनका भी भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेंट करवा दो, बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। वेदर सील प्रीमियम सीमेंट लिखा है, बीमा उन्नति नर्सरी सातपुर वाहन बीमा केंद्र भी है, ये देखिए बढ़िया नर्सरी नर्सरी है। ये पीछे लगी अपनी ट्रॉली, तो यहाँ का मुझे लग रहा है आगे बिजली बिजली का काम हो रहा है, तारे आरे बदली जा रही है, ऐसी एक ही सिंगल वायर लगाई जा रही है ऊपर, बिजली की चोरी नहीं होगी अब। और ये विक्की भैया का घर है तरुणी कराल का, मेरा
देखो क्या कहते हैं। तो देखिए ये चल रहा है, पता नहीं बंदे जा रही है वेल्डिंग भी कर जाती है, ये पोल ओन भी लग रहे हैं दोबारे। तो बस बढ़िया ट्रांसफार्मर मुझे लग रहा है हट रहा होगा यहाँ से, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कर देते स्लो डाउन तो बढ़िया खुदाई चल रही है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खुदने वाला है। देखो क्या करते हैं, ये देखिए गाइस ये है सीन। बस पहुँचने वाला हूँ मैं अपने घर में। तो ये है, देखा ही होगा आपने, चुपाल भैया का घर है, चुपाल अक्षर का घर है ग्रीन वाला। ये इस साइड हमारी ग्रीनरी देखो गाइस, हमें गियर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तीसरे गियर में ट्रैक्टर है तो ऐसे तो जाएगा नहीं अंदर, तो आई हैव टू चेंज दिस गियर। पहला गियर डाल दिया है तो बढ़ते आगे, पहले गियर पे कहीं चढ़ा दो ट्रैक्टर को चढ़ ही जाएगा। हर गाड़ी का ऐसा ही है, पहला गियर तो कहते ही भगवान है भगवान। तो इसको साइड में लगा देते हैं, भाभी आई है, स्कूटी आई है, साइड पे खड़ा कर देते हैं अभी। तो बस गाइस हम चुके हैं पहुंच, तो अभी हम उतरते दिखाते अंदर। इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में।